स्टोर लाइट, ये जा सकते हैं स्टोर लाइट ही। ये जो लाइट है ना वो जेनवनली हम लोग फॉल सीलिंग कर लगाते हैं। अगर आपके घर में फॉल सीलिंग है ना तब इस तरह की लाइट आप लगा सकते हैं। ये देखिए, आपको मैं इसका रेट भी बता देता हूँ वीडियो के एंड में। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉल सीलिंग जो रहता है ना, फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग के जब फॉल सीलिंग करते समय हम लोग लाइट लगाना पड़ता है ना फॉल सीलिंग के अंदर, तो कम से कम उसी टाइम पे इस तरह का लाइट आप लगा सकते हैं घर में। देख सकते हैं ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर इस तरह से लाइट, और ये इसके अंदर ग्लास है, इसके अंदर ग्लास है, और इसके आउट साइड के अंदर मतलब अंदर से वो एलईडी स्ट्रिप रहता है, एलईडी स्ट्रिप। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे, ये जो है ना ये इसका क्लिप है, ये इसका क्लिप है, ये देख लीजिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी इसका क्लिप है। तो फॉल सीलिंग लाइट, इसको एक साइड से देख लेते हैं, एक साइड से आपको दिखा देता हूँ। आप इसको इस तरह से फ्रंट साइड से देख लीजिए, ये देख लीजिए जेनुअनली ये ऐसा दिखता है फ्रंट साइड से, तो अलग 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 पैटर्न भी रहता है। ये देख लीजिए, यहाँ ये राउंड है, फिलहाल तो आपको राउंड की बात बता रहा हूँ। और ये जो है ना, ये इसको आप निकाल भी सकते हैं। ये देखिए, ये जो इसका ना ये लॉक इस साइड पे रहना चाहिए, अगर इस साइड पे रह जाएगा ना तो ये ऐसा इस तरह से ये होना चाहिए, ये लॉक लगाने में आसान लगता है, पर बहुत ये रहता है, ये स्ट्रॉन्ग रहता है लगाते समय। यहाँ पे इसके अंदर लगाते समय एक बार निकल गया तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर हो जाता है दोस्तों। कभी अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस तरह से ये देखो, यहाँ पे स्क्रू है, एक दो यहाँ पे तीन चार पाँच और छः स्क्रू है, तो इसको निकाल के इसके अंदर स्ट्रिप है ना, इसको आप अगर रिपेयर करना जानते हो तो आप इसको रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लेता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है, स्टोर लाइट, ये देख लो, इको लिफ्ट स्लिम डाउन लाइट, स्लिम डाउन लाइट मतलब इसका जो ये है ना ब्राइटनेस है, मुझे सबसे वार्म वाइट रहेगा, नॉर्मल वार्म वाइट रहता है इसके अंदर। ये 220 तो माइनस 240 वेट, मतलब 220 या 220 या 240 वेट का जो वेट रहता है ना, इस उस हिसाब से इसको ये किया है, मतलब 200 ये 220 वेट का ये ले सकता है। और ये यहाँ पे लिखा है, और 50 वेट 15 वेट, ये जो पूरा ये है ना ये 15 वेट का है, ये दिख रहा है आपको, ये जो है ना ये 15 वेट का है, 108 mAh और 3000K, मतलब इसका जो ब्राइटनेस है ना वो 3000K, मतलब ब्राइटनेस इसका अच्छा है, डार्क रहेगा ब्राइटनेस इसका। तो एंड में इसको अपने चालू करके देखा दोस्तों, ये देख लीजिए, और मेड इन इंडिया है। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये 1123 है, मतलब इसको एक साल होने को आया, अभी तो मैं वीडियो जब बना रहा था 31st है आज हमारा वीडियो, और ये आपके लिए सुबह सुबह वीडियो 31st है। अब एक साल के अंदर शायद इसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, पर हो जाता है कभी कभी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ये इस तरह से आपको दिखाई देगा दोस्तों, इस एंगल से दिखाई देगा, और ये भी उसी टाइप का क्लिप है, ये क्लिप और ये क्लिप आपको दोनों इस तरह से ऊपर करना है। अगर आप इस तरह से ओपन कर ऊपर करोगे ना तो फॉल सीलिंग के अंदर जाए वो अच्छी तरह से स्पीड पर जाए। इसके अंदर का मेन पार्ट में आप देखते हो, सबसे इम्पोर्टेंट वो पार्ट है, वो ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए वायर को कितनी अच्छी तरीके से ऐसे ये किया है, देख सकते हैं यहाँ से, इसके अंदर वो स्क्रू लगाया और यहाँ से अंदर वायर, मतलब वायर है ना इससे बाहर नहीं निकलेगा, आपको दिख रहा है वायर से बाहर नहीं निकलेगा। और ये देख लीजिए, ये जो है ना ये पूरा इसका कनेक्शन है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये एरो और ये एरो दोनों सेम आना चाहिए,
तो ये कनेक्शन यहाँ तक कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये एरो इस साइड चला गया तो लाइट नहीं जलेगा दोस्तों, ये अंदर का जो वायर रहता है ना उसी हिसाब से ये कनेक्शन करते हैं। तो इस तरह से ये बन ये वायर यहाँ तक, और ये इसका ये देखिए यहाँ पे लिखा है नॉर्मल, ये चौक रहता है एलईडी ड्राइवर इसको बोलते हैं, एलईडी ड्राइवर। यहाँ पे लिखा है मॉडल 30A 18W, मतलब जो ये है ना चौक है वो 13W या 18W तक लोड ले सकता है। यहाँ पे लिखा है रेटिंग 100 N-285W AC 50H, इनपुट करंट 0.715W, मतलब इसका जो इनपुट है ना वो 0.7 एम्पियर है, 15W, मतलब ये 15W का जो ये आपको लाइट दिख रहा है ये 15W का लाइट है। आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है 12W DC, मतलब आउटपुट डायरेक्ट 12W, इधर डायरेक्ट 12W आउटपुट DC 1.8 एम्पियर। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है जो आपको मैं बताता तो चौक क्या काम कर लेता है। ये जो चौक है ना, अभी ये जो लाइट है इसको हम लोग डायरेक्ट लगाने चले गए, अगर ये देखिए इसको हम लोगों ने निकाल दिया, ये जो चौक है ना इसको हम लोग निकाल दिया, और इसका वायर छिल के हम लोग डायरेक्ट अगर इसके अंदर डालोगे ना, इसके अंदर डालोगे तो ये जो है लाइट आपको दिख रहा है ये लाइट शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट के ऊपर ये नहीं चल सकता, क्योंकि ये शॉर्ट उतना लोड नहीं लेगा, ये जो हमारा करंट है वो ज़्यादा का हाई का करंट है, इसके वजह इसका उतना कैपेसिटी नहीं है विदाउट ये चौक के अलावा, इसका नहीं है डायरेक्ट चल जाएगा शॉर्ट हो जाएगा पूरा, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिप रहता है, इसकी वजह से इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं डाल सकते। तो इम्पोर्टेंट क्या करना पड़ेगा तो इसका फ़ायदा क्या है मालूम है, क्योंकि ये जो चौक है जो है ना चौक क्या काम करता है, ये देखो यहाँ से हमारा जो डायरेक्ट है ना लाइन, यहाँ से जो हमारा ये डायरेक्ट मेन शॉकेट रहता है वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लाइन लेके आता है यहाँ से, इसको जितना लाइन यहाँ पे जो ये रहता है इनका जो नॉर्मल चौक रहता है उनका जो चिप रहता है उसको जितना इसको चाहिए उतना ही ये लाइन यहाँ से इसको दे देता है, मतलब इसका जितना कैपेसिटी है ना उस हिसाब से यहाँ से लाइन चला जाता है इसको इस तरह से, उस कैपेसिटी के उतना ही, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं हो जाता, जितना चाहे उतना ही उसको वो जाता है लाइट, क्योंकि वो चौक का काम ही है, अगर ये चौक नहीं लगेगा ना क्योंकि ये यहाँ पे एडजस्ट कर लेता है जो वही रहता है उस हिसाब से, मैं बोल इस हिसाब से वो नॉर्मल एडजस्ट कर लेता है, जितना लाइट चाहिए उतना यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद ये चालू होता है। तो अगर कभी भी याद रखें इस चीज़ को ना, ये जो स्ट्रिप लाइट रहता है ये रहता है उसको कभी डायरेक्ट लगा रखा नहीं, उसको डायरेक्ट आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो 110% ख़राब हो जाएगा, एक बार आपने लगा दिया तो वो गया समझो वो ख़राब हो जाएगा पूरा। तो देख सकते हैं इस तरह, आपको इसका एक बार मैं चालू करके दिखा रहा हूँ ये इसका ब्राइटनेस क्या है, तो मैं आपको चालू करके